वेलकम टू माय चैनल क्विक एंड टेस्टी। आज हम बनाएंगे परवल का भरवा। इट्स क्वाइट इजी टू कुक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके भरवे का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर, इन सारी चीज़ों को पीस लिया है एक स्मूथ पेस्ट में, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारे पास परवल रखे हुए हैं, उस परवल को हम एक बार छील लेंगे अच्छे से, और बीच में एक चीरा लगा के उसे इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए इस तरीके का चीरा लगाएंगे बीच से, और इसे पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि परवल हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से सारा परवल हम रेडी करके रख लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो परवल के अंदर का भाग है जिसे पल्प बोलते हैं, ये निकाल के हम अलग कर लेंगे सारे परवल का। और उस जो पल्प निकलेगा, उस पल्प से बीज को अलग हटा देंगे और उसे पल्प को रख लेंगे आगे के मसाले में यूज़ करने के लिए। ये देखिए ये पल्प है सारा अंदर का, इसका बीज हम अलग कर देंगे। इसका बीज जब आता है मुंह में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे हटा देंगे। मसाला रेडी करने के लिए मैंने तेल में जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी मिर्च, इतनी चीज़ें डाली हैं। और तुरंत ही उसमें जो मैंने पिसा मसाला डाला था वो डाल दिया है, और थोड़ा स्वादानुसार नमक, और जो मैंने पल्प डाला है वो भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे कि ये मसाला हमारा अच्छे से, भरवा का मसाला जो हमने बना रहे हैं ये रेडी हो जाए। 5 से 6 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम उसे परवल में इस तरीके से भर लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से भर भर के रख लेंगे। जब हम सारे परवल एक एक करके भर लेंगे, फिर हम इसे तेल में पकाएंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ सोलो फ्राई टाइप से किया है। थोड़ा तेल डाल के उसमें इसे रख के परवल को, और ढक के पकाया है। बीच बीच में से अलट पलट करते रहें जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये परवल खाने में बहुत टेस्टी होता है, जल्दी भी बनता है, थोड़ा अलग है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए इस तरीके से हम सारा परवल भर लेंगे। अगर आपका ये मसाला बच जाता है तो आप इसे रखिए, आप किसी भी ग्रेवी की सब्जी में बनाने के लिए ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे पूरा इस भरवे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा पूरा परवल भर के एकदम से रेडी हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे। मैंने सेम कढ़ाई यूज की है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए तेल में इस तरीके से हम रख देंगे और ढक ढक के इसे 3 से 4 मिनट मुश्किल से ये बनके तैयार हो जाएगा पक के। ध्यान रहे जब इसे आप पलटें तो बहुत ही हल्के हाथ से पलटें, अदरवाइज मसाला पूरा निकल जाएगा। जब ये एक तरफ से हो जाए तभी इसे दूसरी तरफ के लिए पलटें। मैंने पूरा तेल अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दिया है और इसे ढक दिया, फिर खोला, पलटा और पकाया। जब आपको लगे ये पूरी तरीके से पक चुका है, टमाटर गल चुके हैं, सॉरी, जी परवल भरवा पूरा बन के एकदम से तैयार है। पहले इसे एक प्लेट में निकालेंगे, उसके ऊपर पहले टिश्यू पेपर रख लेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये परवल भरवा बन के एकदम से तैयार है, इसे आप ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।